Hello students, welcome to maths class. I am Anpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 8, geometry. In previous video, we have done question 1 and 2 of exercise 8.6. In today's video, I am going to explain you question 3 to 5 of exercise 8.6. दे आपका जो क्वेश्चन 3 है वो मैंने यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखा है, उसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ, उसको आप खुद कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन 3 में आपको पैरामीटर ही फाइंड आउट करना है। जस्ट सिंपली क्या है, आपके पास ऐसे ही स्क्वायर ग्रिड दे रखा है बेटे, और उसके अंदर फिगर लाइक दिस बना रखी है, ठीक है। तो आपको ये जो अंदर के शेडेड पार्ट वाले हैं, ये आपको काउंट करने हैं कि कितने स्क्वेयर्स हैं। तो इसमें 1 स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर के सेंटीमीटर के इक्वल मान रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास यहां पर 4 में शेडेड है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, तो आप इसको लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपको जो शेडेड वाली पार्ट्स है उससे मींस आपकी एक फिगर बन रही है, वो आपको काउंट करके लिखने हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग ईच साइड इज गिवन बिलो। हमारे पास स्क्वायर की साइड दे रखी है, हमें उसका पैरामीटर निकालना है। सो सबसे पहले हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम स्क्वायर के पैरामीटर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप सबको पता है स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, मींस चारों साइड्स जो होंगी सबकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, इक्वल होगी, ठीक है। सो इसलिए हमें स्क्वायर में 1 साइड दी जाती है, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। 4 साइड्स होती है इसलिए 4 को हम साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइड मींस आपके पास जो एक साइड की लेंथ दी गई होगी, ठीक है। सो 4 का 4 एज इट इज लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, और साइड की जगह क्या लिखा है, ये 5 सेंटीमीटर आपको साइड की लेंथ दे रखी है ना, तो ये 5 हम यहां लिखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, और यूनिट आपकी सेंटीमीटर दे रखी है, सो इसके साथ आप सेंटीमीटर मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द सी पार्ट, सेम पैरामीटर निकालना है तो हम दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 साइड्स होती हैं, सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड की लेंथ दे रखी है 11, सो यहां पर आप 11 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 44, और यूनिट है आपके पास सेंटीमीटर, तो यहां पर सेंटीमीटर। सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 4 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, विच फिगर हैज द ग्रेटर पैरामीटर, ए और बी। दोनों फिगर में से किस फिगर का ज्यादा पैरामीटर है वो आपको बताना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, दोनों फिगर्स में जो हमें मेजरमेंट दे रखे हैं इनको हम ऐड कर देंगे ताकि हमें पैरामीटर पता चल जाए, ठीक है। सो आपके पास सॉल्यूशन में देखिए हमें क्या दे रखा है, 8 + 5 + 2 + 3 + 7, ठीक है। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 7 + 3 10 10 + 2 12 12 + 5 17, ठीक है। 17 में आगे आप 8 प्लस करेंगे तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसमें हम लेंथ लिख सकते हैं, 4 + 6 + 3 + 2 + 3 + 4 + 8, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 6 + 4 10 10 + 3 13 13 + 2 15 15 + 3 18 18 + 4 22 22 + 8 that is 30। तो हमारी बी फिगर का पैरामीटर कितना है, 30। सो यू कैन राइट फिगर बी हैज मोर पैरामीटर, ठीक है।
I hope you understand question 4 and 5 and you can try question 3 yourself. Still, if you have any query, you can contact me. Thank you.